फेसबुक में वो तो सब क्यों डाले तुमने? कौन डाला? अस्सलाम वालेकुम। सर वो सारा बोला कि फेसबुक में सेम रहा भाई। जो से बैठे ना वो आगे खाली जो बैठे ना उधर जो बैठे ना उधर अस्सलामु अलैकुम। क्या फरमा रहे हैं? फरमाइए, मैं आपकी जवाब देने को तैयार हूँ। सैयद इसामुद्दीन अमीनुल्लाह रिफाई, ये रिफाई मरकज है। 240 साल हो गया, 232 साल। हाँ हाँ, अभी नासिर बाबा बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। ये हजरत पीर सैयद इसामुद्दीन साहब रिफाई अमीनुल्लाह है। यहाँ पे इनको आज 232वां उरूस मुबारक चालू है। ये इधर ये सैयद अहमद कबीर आसुकुल्ला मासू के रफाई सिलसिले से है। अभी इनका संदल पेश हुआ, अभी ईशा की नमाज के बाद में राति पे रिफाइया का प्रोग्राम चालू होएगा। फिर उसके बाद में जो भी ये कल बाद नमाज ईशा कव्वाली का प्रोग्राम है और परसों के दिन संदल पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद में सिद्धि धमाल है और फिर कव्वाली है। और 21 तारीख भरोसे मंडे को इंशाल्लाह कुल शरीफ की फातिया है। यह सैयद इसामुद्दीन रफाई अमानुल्ला इस दरबार का यहाँ पर मैं मुरीद हूँ। 30 साल से आना जाना है। अल्लाह के करम से पीरो मुर्शिद के दुआ से यहाँ पर हर चीज़ का शफा होता है। जादू टोना भला सब दूर होता है और सबकी दुआ कबूल होता है और सबकी बिगड़ी बनता है। इस दरबार में सब खुशहाल हो जाते हैं। आप इस दरबार में जो भी आता है उसका बिगड़ी बनता है और हर साल में नियाज नजराना होता है। हमारे नासिर भाई, हाँ रिफाई कमेटी है, सैयद इसामुद्दीन रफाई कमेटी। इस दरबार में जो भी आएगा उसकी बिगड़ी बनता है और फैज मिलता है हर साल में। मुरीद है सब
मुरीद है, फकरा है, मुरीद है, फकरा है, सब मिलके काम करते हैं और सबकी बिगड़ी बनता है और सब खुशहाल हो जाते हैं। आप लोग के दुआ से सब अच्छा है और अच्छा ही होता है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी बिगड़ी बनता है सरकार के करम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात गुदारी से कि हमारे सरकार का उर्स बनाया गया है, आज माशाल्लाह जश्न हुआ है और जितनी पब्लिक भी आई है माशाल्लाह हिस्सा लिए, सरकार का तबरुक भी खा के गई है माशाल्लाह। और ये प्रोग्राम अभी चलते रहेगा माशाल्लाह, कवाली का भी प्रोग्राम रखा गया है माशाल्लाह। और जल्द से जल्द जहाँ से संदल भी आने की तैयारी है, कहाँ कहाँ से संदल भी आते हैं माशाल्लाह, चाहने वाले बाबा के चाहने वाले सब संदल भी लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। और कहीं कहीं जगह से माशाल्लाह मेरी माँ बहनों लोग भी आई है माशाल्लाह, वो भी हिस्सा लिए माशाल्लाह। और हमारे रिजवान भाई है, हमारे नासिर भाई है, हमारे सैयद साहब है और इरफान हमारे मामा भाई है, वो सब माशाल्लाह सब बच्चों लोग हमारे रफाई सिलसिले के लोग ने हिस्सा लिए माशाल्लाह और काम को अंजाम दिए लोग ने। और माशाल्लाह हमारे जो मुजावर भी है माशाल्लाह, जो खिदमत कर रहे लोग हमारे मुजावर भी माशाल्लाह दोनों खिदमत कर रहे हैं, हारून मियाँ भी है और हमारे लायक मियाँ भी है। और हमारे दरगाह के जो माशाल्लाह चाहने वाले भी बहुत है। और ये 21 तारीख को कुल फातिया किया जाएगा सरकार का, 17 से 21 तारीख को सरकार का कुल फातिया इसके तारीख। और हो सके तो माशाल्लाह जिसको जितना चाहने वाले होंगे वो आप इधर तशरीफ लेके आ जाएगी तारीख। और दरगाह ट्रस्ट की तरफ से भी हमारे जाहिद भाई है, वो भी माशाल्लाह इनके लिए भी दुआ करते हैं और उनको से तंदुरुस्ती अदा फरमाएं उनको। और अभी आएगा हमारे जाहिद मियां भी ट्रस्टी, वो भी यहाँ के हिस्सा लेंगे इधर आके हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये डोंगरी एरिया से हम बोल रहे हैं, रफाई दरगाह, इनका पूरा नाम है सरकार का पीर सैयद इसामुद्दीन शाह अमीनुल्लाह अल हसनी अल मुसवी अल रफाई। ये बुजुर्ग बगदाद शरीफ से आए थे, सैयद अहमद कबीर रिफाई आशिक अल्लाह माशुक अल्लाह की आल में से है। और 15 तारीख को नवंबर को सरकार की खिदमत हुई है और आज संदल शरीफ है, 21 नवंबर तक संदल शरीफ और सब खिदमत चलेंगी। इसमें महफिल शमा होंगी जिसमें कवालियाँ होंगी, रोज़ाना अलग अलग प्रोग्राम होंगे, डफ का सिलसिला होगा। आज राती पे रफाई आए, अभी लंगर चल रहा था और हमारे नासिर भाई खलीफा भी बैठे हुए, हमारे सैयद साहब बैठे हुए, हम भी, हमारा नाम रिजवान सैयद रिजवान काजी है, हम भी इस सिलसिले के खलीफा है समझे। और माए जावेद भाई है जो खिदमत कर रहे हैं, हमारे इब्राहिम मोतीवाला साहब के लिए अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे जिन्होंने दरगाह को वापस से तामीर करके गुले गुलजार कर दिया समझे। अल्लाह ताला हमारे सब रफाई सिलसिले के मुरीदैन को, खलीफान को और जो भी चाहने वाले सबको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और हर जायज़ तमन्ना उनकी पूरी करे, आमीन। हेलो सैयद अहमद रिफाई की निराली शान है, जो न समझे आपका रुतबा बड़ा ना दान है। या वलद आवाज आई, शक हुई कब्रे नबी, दस्त पाके मोस्तफा निकला खुदा की शान है। सैयद अहमद रिफाई की निराली शान है, जो न समझे आपका रुतबा बड़ा नादान है। फिर कहाँ मैं भेजता था आप पर हर दम दरूद, मेरे जदे मुकर आज का फरमान है। सैयद अहमद रिफाई की निराली शान है, जो न चुकड़ से रुतबा बड़ा नान है। सैयद अहमद रिफाई की निराली शान है, जो न समझे आपका रुतबा बड़ा ना।
अल्हम्दुलिल्लाह 223 और से मुबारक हज़रत सैयद इसामुद्दीन अमीनुल्लाह अल हसनी वल हुसैनी अल मौसूबी अल रिफाई रदी अल्लाह तआला का मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे खुदामिन हजरत सैयद साहब नासिर भाई और बड़े नासिर भाई और दिगर दरगाह के ज़िम्मेदारान हजरत अपनी अपनी तरीके से शौक अपनी ज़ौक़ो शौक़ से मनाया जाता है। अब जब बाबा के चाहने वाले कहीं से भी इनको मालूम पड़ता है और बाबा की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, कोई लंगर लेके आता है, कोई बाबा की चादर है, कोई बाबा की गिलाफ़ है, हर किसी की भी मुराद पूरी होती है माशाल्लाह। और सरकार की बारगाह में लोग आ जाते हैं और शौक से आते लोग, जैसा कि सरकार की नस्बत उनको खुद बुला लेती इधर ये। और हमारे जो जैसा कि माई साहब है, दादी माँ है हमारी माशाल्लाह, वहाँ से भी कितने को फैस मिलता है, हर धर्म के हर कौम के इधर आते इधर है, किसी को इधर इजाज़त की मना नहीं है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह यह मुकद्दस बड़ी रात है, हम सबको रिफाई का सदका लूटने की रात है। सैयद अहमद कबीर आने वालों की हर मुरादें पूरी करे, ऐसी मोहब्बत से सरकार का सदका सबको मिल के खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएं। और ये हमारे रफाई हमारे सैयद दरगाह के खातिम है माशाल्लाह, हमारे लायक मियाँ है और हमारे हारून मियाँ है, सलमान भाई इधर आओ। और ये हमारे मुबारक के मौके पर मुंबई नहीं महाराष्ट्र से अहम शख्सियात आई हुई है, बड़ी बड़ी खानकाहों से आई हुई है, जनाब नासिर मियाँ यहाँ मौजूद है, जनाब सईद साहब मौजूद है, जिनके और बड़े नासिर मियाँ भी मौजूद है, भाई भाई जिनका नाम नहीं जानता मुतारफ नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो है यहाँ मौजूद है देखिए। और आज के इस पुरनूर और नूरानी मौके पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये उर्स होता है, आपका तारुफ थोड़ा दीजिए। मैं पूना से हजरत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन, मैं हाजी सलमान पूना से हज़रत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन चिश्ती निज़ामी अलगारी रहमतुल्लाह अलैह की खानका से वाबस्ता हूँ। वहाँ से हम लोग हर साल यहाँ जश्न में उर्स में आते हैं और उसी जश्न के संदल के मौके पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। पूना से हम लोग तकरीबन 20-25 लोग हर साल आते हैं। मैं मोहम्मद अय्यूब रफाई खलीफा रफाई हूँ, मैं इसी चौकट से खिलाफत हुई है आता हुई है और ये दरबार मेरे लिए उम्दा है, बहुत ऊंचा है और आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। और मैं पूना शहर से आया हूँ, पूना में ख्वाजा शेख सलाउद्दीन अलगारी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से, वहाँ के गुलामों से गुलाम है हम वहाँ, और यहाँ की जो नस्बत है ये आला नस्बत है हमारी, और इसी चौकट का सदका हमको आता है। और इतना ज़ोरों शोर से संदल होता है कि पूना से कम से कम 20-25 लोग आ जाते हैं हर साल। बहुत खूब। और भी सर अभी रात की रफाई चालू हुई है इंशाल्लाह, और ये सरकार का बारगाह में जश्न बनाया जाएगा इधर। अभी रफाई में से अहम जिम्मेदारान में से आप हमें बात कराइए। ये हमारे बड़े नासिर में यहाँ रफाई है। हाँ हाँ, हमारे नासिर में यहाँ रफाई है और हम छोटे नासिर में हम लोग रफाई है। ये माशाल्लाह अपने रफाई के अंदर ज़रब है, जैसा कि जैसी इसी ज़रब लगती है माशाल्लाह, और सरकार की बारगाह में वैसी ज़रब बन भी हो जाती है माशाल्लाह। और सबको ये चीज़ को अकीदा है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब आते हैं इसके अंदर, अकीदतमंद आके सब खड़े हो जाते हैं इसके अंदर। सबको प्यार है, सबको मोहब्बत है, सबको खुलूस है आने वाले सरकार के दर पे कि जो रोते हुए हंसते हुए जा रहे हैं।